कि 5 साल तक झंडा ढोएंगे हम, कुर्सी हम लगाएंगे, दरिया हम बिछाएंगे और जब चुनाव की बारी आएगी तो आप चले आएंगे। 15 साल से कभी ना देखा कि कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर राकेश महतो किसी चौक चौराहे पे मिले हों। पूरे झारखंड में जब आप कुशवाहा समाज के इतने बड़े लीडर हैं तो आपने बोकारो का चयन क्यों किया चुनाव लड़ने के लिए? हमारे बहुत से मित्र बंधु हैं, इसलिए लोगों ने कहा कि झारखंड सही दिशा की ओर नहीं जा रहा है, अच्छे लोगों की कमी है विधानसभा में। यहाँ पे ऑलरेडी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो 99,000 वोट लाकर पार्टी को चौंका चुके हैं, तो अगला टिकट आपको ही क्यों दे, उन्हें क्यों ना? पूरे जद्दोजहद के बाद कांग्रेस 99,000 वोट लाई। बोकारो सवर्ण जाति के लिए रिजर्व है, बेरमो सवर्ण जाति के लिए रिजर्व है, तो आपको लगता है कि ओबीसी की आवाज सुन पाएगी कांग्रेस पार्टी? आदरणीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट आदेश है, पिछड़ों की बात उन्होंने किया है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो आपके लोग हैं वो भाजपा में शिफ्ट हो चुके हैं, उन्हें कैसे वापस आप लाएंगे? ओबीसी का प्रत्याशी आएगा तो वे दौड़े चले आएंगे। अगर आपको टिकट देगी तो ये लोग विरोध नहीं करेंगे? कांग्रेस यहाँ तक पहुँची है तो यह 2014 या 2019 के बाद जो कांग्रेस में आए हैं उनके प्रयास से नहीं पहुँची। तो महतो साहब को आने के बाद क्या ये हिम्मत जुटा पाए आप? जो झारखंड को परेशान कर रहे हैं उसके खिलाफ आपकी इस मुहिम में हम लोग साथ देना चाहते हैं। पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर लापता हो जाएंगे कि इस बार विधानसभा में खुलकर जो प्रत्याशी आएगा उसके साथ मदद के लिए आगे बढ़े? और मैं निर्दलीय प्रत्याशी बनने का आज तक कभी कोशिश नहीं किया। कांग्रेस पार्टी में जो दिल्ली की दरबारी नहीं कर पाता उसे कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं? मेरे समर्थन में सब बैठने की भी बात कर रहे हैं, विड्रोवल की भी बात कर रहे हैं। झारखंड में चंद दिनों के बाद चुनाव का आगाज होने वाला है और चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। जहां झारखंड में लंबे समय के बाद किसी ओबीसी के व्यक्ति को झारखंड का कमान कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसके जैसे ही तमाम जिला अध्यक्ष को ये सूचना आई कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन जमा कर सकता है जिला कार्यालय में, उसके बाद तमाम झारखंड के जिला कार्यालयों में आवेदन का जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया। बोकारो जिले का भी वही हालात था और बोकारो जिले में कई लोगों ने अपना आवेदन जमा किया, लेकिन कई ऐसे आवेदन थे जो चौंका रहे थे और लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहां से आए, कहां चले गए थे, कब से कांग्रेस में है। ये कई सवाल चर्चा का विषय है। पूरे शहर में आप जब निकलेंगे तो एक नाम अखबारों में है, जो तस्वीरों में है, जो होर्डिंगों में है और आजकल बोकारो में खूब चर्चित हो रहा है, वो नाम है राकेश महतो जी का। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश महतो है। सर बहुत स्वागत है आपका डी फोर जी। धन्यवाद। 15 सालों से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं लेकिन 15 साल से कभी ना देखा कि कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर राकेश महतो किसी चौक चौराहे पे मिले हों और कहा हो राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। सभी लोगों का कांग्रेस पार्टी में अलग अलग जिम्मेवारी है। मैं राहुल जी के टीम के आदेश पर पूरे देश में पिछड़े समाज को कांग्रेस तरफ लाने के लिए कोशिश कर रहा था और इसका परिणाम है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से अनेक लोगों को मैंने कांग्रेस में शामिल कराया और यह मेरी उनके अनुसार कार्य थी। मैं जिले स्तर पर कार्यक्रम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा एक सामाजिक दायित्व भी है, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और यह उसी अध्यक्षता के नाते मुझे देश में कांग्रेस ने जिम्मेवारी सौंपी थी जो मैंने बाखूबी निभाया। अब 2009 में मैं कांग्रेस में पुनः शामिल हुआ था पलामू में और मैं लोकल स्तर पर पलामू में अन्य जगहों पर बहुत दिनों तक काम भी किया और 2010 के बाद मैं राष्ट्रीय महासचिव महासभा का हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के पूरे देश में भ्रमण करने लगा और वहीं से
मैं कांग्रेस की तरफ लोगों को आकर्षित करने की कोशिश किया। जानना चाहता हूं कि कुशवाहा महासभा की बार बार चर्चा करते हैं, सोशल साइट पे भी लोगों ने आपको देखा है, पूरे झारखंड में जब आप कुशवाहा समाज के इतने बड़े लीडर हैं तो आपने बोकारो का चयन क्यों किया चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि कांग्रेस की संगठन बड़ा लूज पूज भी है। चूँकि बोकारो मेरा घर है, बोकारो से स्कूल कॉलेज किया, कभी बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी भी की और आंदोलन में पूरी जवानी बोकारो में ही गुजारा हूँ। यहाँ हमारे बहुत से मित्र हैं, दोस्त हैं, सगे हैं, संबंधी है। मैं छात्र जीवन बोकारो सिटी कॉलेज स्टील सिटी कॉलेज से किया, यूथ कांग्रेस का मैं यहीं रहा, ओबीसी का मैं यहीं काम किया। जब मुझे पूरे बिहार का यूथ इंटक का प्रेसिडेंट बनाया गया तो मैं यहीं रहा। मैं पीएन त्रिपाठी जी के साथ कांग्रेस में काम किया, हमारे बहुत से मित्र बंधु हैं। इसलिए लोगों ने कहा कि झारखंड सही दिशा की ओर नहीं जा रहा है, अच्छे लोगों की कमी है विधानसभा में, आप कहीं ना कहीं से आप चुनाव लड़े। तो चूंकि मैं खाता हूं, पीता हूं, रहता हूं, मेरा जो भी आमदनी है यहीं से है, तो मैं दूसरी जगह क्यों जाऊँगा? जब आप पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे या दिल्ली दरबार में जब हाजिरी लगेगी तो वहां लोग पूछेंगे आपसे कि यहां पे ऑलरेडी जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं वो 99,000 वोट लाकर पार्टी को चौंका चुके हैं और पार्टी उन्हें विधायक के रूप में भी देख रही है, तो अगला टिकट आपको ही क्यों दे, उन्हें क्यों ना दे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी को 99,000 वोट मिला और विरोधी जो विनर हुए, जो जीते, उनको 1,14,000 वोट मिला। पूरी ताकत लगाने के बाद, पूरे जद्दोजहद के बाद कांग्रेस 99,000 वोट लाई थी और भारतीय जनता पार्टी का वोट का बंटवारा हुआ था। एक राजेंद्र महतो जी और एक डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, दो आदमी चुनाव लड़े थे जो आज बाबूलाल जी के साथ हैं, बीजेपी में हो। राजेंद्र सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे देखा जाए तो बीजेपी का ये दोनों का वोट जोड़ करके लगभग 1,40,000 होता है। 1,40,000 बीजेपी का गणित के अनुसार से दिख रहा है, लेकिन जो पूर्व प्रत्याशी हैं उनको 99 से 1,00,000 पुराने में हालत ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ कांग्रेस को ओबीसी प्रत्याशी को देना होगा और ओबीसी प्रत्याशी ही कांग्रेस के खाते में यहाँ का विधानसभा सीट ला सकता है, क्योंकि जब जब उच्च जाति के, स्वर्ण जाति के कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तब तब यहाँ सारे ओबीसी के लोग, दलित समाज के लोग सब बीजेपी ओबीसी प्रत्याशी रहते हैं, इसलिए उनको मतदान कर देंगे। कांग्रेस पार्टी आप पे विश्वास जलाएगी? जो कांग्रेस पार्टी झरिया में राजपूत जाति पर विश्वास करती है, धनबाद में भी इस बार कहा जा रहा है सवर्ण जाति पे विश्वास करेगी, बोकारो सवर्ण जाति के लिए रिजर्व है, बेरमो सवर्ण जाति के लिए रिजर्व है, तो आपको लगता है कि ओबीसी की आवाज़ सुन पाएगी कांग्रेस पार्टी? आदरणीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट आदेश है, पिछड़ों की बात उन्होंने किया है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके अनुसार से अगर बेरमो राजपूत लड़े, अगर बोकारो भी स्वर्ण जाति ही लड़ेगा, झरिया भी लड़ेगा, धनबाद भी लड़ेगा, तो ओबीसी का इंटायर वोट, कितना भी हम लोग रोकते रह जाएंगे कांग्रेस के लिए, सारा का सारा वोट शिफ्ट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार ओबीसी को समुचित हिस्सेदारी मिलेगी। राहुल जी ने आश्वासन पूरे देश में दिया है, ओबीसी के जनगणना की बात भी उन्होंने किया है, इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि बोकारो का सीट ओबीसी के खाते में जाएगा और इसका फल बगल में बैरमो ओबीसी इंटायर वहां के प्रत्याशी को देगा और वे उनका यहां देगा। हम दोनों ही यहां से जीत सकते हैं अगर ओबीसी की बात बोकारो में हो गई तो। अभी थोड़े दिन पहले ही चुनाव समाप्त हुआ है और कहा जा रहा है कि जो कुशवाहा जाति के लोग हैं, जो आपके लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जम के समर्थन किया, तो जो आपके लोग हैं वो भाजपा में शिफ्ट हो चुके हैं, उन्हें कैसे वापस आप लाएंगे? उनका प्रत्याशी अगर आएगा, ओबीसी का प्रत्याशी आएगा, तो वे दौड़े चले आएंगे। मैं तो यह कह रहा हूँ कि अगर ओबीसी के प्रत्याशी मैं हुआ और आदरणीय बिरंची जी हुए जो वर्तमान विधायक हैं, तो दोनों अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का जीत का अंतर लगभग 50,000 होगा, क्योंकि मेरा
आज तक का संघर्ष चाहे मंडल कमीशन का हो, चाहे मुंगेरीलाल आयोग का हो, चाहे स्वर्ण जाति के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का हो, मैं पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूँ, सारे पिछड़ा समाज देखा है। मैं स्वर्णों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछड़ा समाज के हक की बात जरूर करता हूँ और मैं लड़ा हूँ। ओबीसी की चर्चा होगी तो साहब एक और चर्चा होगी कि 5 साल तक झंडा ढोएंगे हम, कुर्सी हम लगाएंगे, दरिया हम बिछाएंगे और जब चुनाव की बारी आएगी तो आप चले आएंगे, क्योंकि ओबीसी के और कई उम्मीदवारों ने दावेदारी की है, आप ही के स्वजातीय हैं मनोज कुमार, उन्होंने दावेदारी किया है, जादव समाज से जितेंद्र जादव जी ने किया है और कई ओबीसी के किया है जो 5 साल से क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, तो उन्हें नकार कर पार्टी आपको क्यों टिकट देगी? अगर आपको टिकट देगी तो ये लोग विरोध नहीं करेंगे? कांग्रेस यहाँ तक पहुँची है तो यह 2014 या 2019 के बाद जो कांग्रेस में आए हैं उनके प्रयास से नहीं पहुँची है, बल्कि इस कांग्रेस के यहाँ तक पहुँचने के न्यू में दफन है पीएन त्रिपाठी, न्यू में दफन है डीके चौबे, एससीएल श्रीवास्तव, सारे लोग अशोक श्रीवास्तव, ये लोग दफन हैं। आज इन लोगों के टीम के आदमी कोई दिख नहीं रहे हैं, आज कांग्रेस शून्य सा हो गए, नए नए लोग आए हैं ये लोग। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन कांग्रेसी बनने के लिए जो संस्कार चाहिए अभी वक्त चाहिए लोगों में। निश्चित रूप से मनोज जी एक कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन जिस समय मैं यूथ कांग्रेस में था, मैं छात्र जीवन में था, उस समय भी वो साथ में रहे हैं, वो लंबा उनका जीवन काल रहा है, परंतु यह तो पार्टी निर्णय लेगी कि कौन व्यक्ति ओबीसी में प्रत्याशी होगा और जो हमें सीट झोली में ला सकेगा। ओबीसी तो बहुत है देश में, ओबीसी बहुत हैं बोकारो में, लेकिन प्रत्याशी के रूप में जो सामने खड़ा होगा उसी को लोग विश्वास करेंगे। लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में आप थे लेकिन कभी दावा नहीं ठोका, तो महतो साहब को आने के बाद क्या ये हिम्मत जुटा पाए आप? नहीं, इसके पहले भी मैं अविनाश पांडे जी से बात किया था, जिसमें केशव महतो कमलेश जी उसका मीटिंग में उपस्थित थे, राजेश जी भी थे, सारे लोग थे, आज से एक वर्ष पहले के तकरीबन, जब अविनाश पांडे जी यहाँ प्रभारी थे। मैं पूरे झारखंड के मुख्य लोग और प्रत्येक जिला के संगठन के साथ उनसे डिमांड किया था कि कुशवाहा समाज कांग्रेस से साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर सामंतवादी और पूंजीवादी जो यहाँ ताकते हैं, जो झारखंड को परेशान कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपके इस मुहिम में हम लोग साथ देना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस में आप उचित हिस्सेदारी, जिम्मेवारी और प्रतिनिधित्व दीजिए, यह बात आई थी। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर लापता हो जाएंगे कि इस बार विधानसभा में खुलकर जो प्रत्याशी आएगा उसके साथ मदद के लिए आगे बढ़े? चूँकि मेरा यह घर है, यहाँ परमानेंट मेरा रेसिडेंस है, मैं कहाँ लापता हो सकता हूँ? ऐसा तो है कि अगर हम मकान वकान बिक्री करके चले जाएं तो यह दूसरी बात है, हम तो बोकारो में रहते ही हैं और मैं निर्दलीय प्रत्याशी बनने का आज तक कभी कोशिश नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत है झारखंड विधानसभा में आंदोलनकारी को जाना जरूरी है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर हम लोग लड़े हैं वह मुद्दा कोई वहाँ उठा नहीं रहा है, इसलिए वहाँ जाना जरूरी है, इसलिए मैं प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हुआ हूँ और ये मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हमारे झारखंड आंदोलनकारी जो यहाँ लगभग 400-500 लोग हैं उन लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम सब साथ हैं, और यहाँ सिर्फ कुशवाहा समाज की बात नहीं है, ओबीसी की बात नहीं है, मैं एक झारखंडी हूँ, मैं आंदोलनकारी हूँ, मैं पिछड़ा भी हूँ। जी आप तो आवेदन डाल कर एकदम अस्थिर हो गए, बोकारो में बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में जो दिल्ली की दरबारी नहीं कर पाता उसे कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं। मैं अपना कर्म कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी एक सुलझी हुई पार्टी है, उनके लोग यहां सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किनको उम्मीदवार बनाया जाए तो कौन जीत सकते हैं, इसमें हमें कहीं कुछ नहीं करना है, और यह दरबारी की बात मैं नहीं समझता हूं, यह संगठन है और सारे लोग समझते हैं, इसमें बहुत से प्रत्याशी हैं जो हम नामांकन तो ज़रूर किए हैं लेकिन मेरे समर्थन में सब बैठने की भी बात कर रहे हैं, विड्रॉल की भी बात कर रहे हैं।
तो सुना ना आपने, ये कांग्रेस नेता राकेश महतो हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा है, क्योंकि इनका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है और इन्होंने सियासत की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जिस तरह बोकारो शहर में होर्डिंग पोस्टर से इन्होंने सजाया है बोकारो स्टील सिटी को, तमाम लोगों में चर्चा का विषय है कि आखिर राकेश महतो क्या चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने राकेश महतो के दिल की बात आपको सुनाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी न बनना चाहता हूँ न कभी बना हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं बेहतर उम्मीदवार हो सकता हूँ, अगर नहीं भी देती है तो मैं बोकारो में रहकर कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसे मदद करने का प्रयास करूँगा। कैमरामैन भोला के साथ जीपी हिमांशु। लंबे दिनों तक